हेलो माय डियर एरिस, लेट्स सी कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है, क्या है आप दोनों का करंट सिचुएशन। तीन चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट एक्शन, इनका लव लेटर, लव सॉन्ग्स या फिर चैनल मैसेजेस, और इनका मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें। तो पहले अलाइन हो जाइए, 444 या 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लव मैसेजेस मतलब कि लव लेटर ले रही हूँ, चैनल मैसेज ले रही हूँ उनकी तरफ से। क्लैरिफाई करना होगा तो मैं क्लैरिफाई भी आपके लिए करूँगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फीलिंग इनकी। हाँ, आपके जो पर्सन है, चाहे अभी आप दोनों किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है, कोई भी आपके लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का फेज चल रहा हो, आपके पर्सन जो है आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके जैसा इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपने एक बहुत अलग सी जगह इस पर्सन की लाइफ में बनाई है। ठीक है, इस पर्सन की आंखों में मैं देख पा रही हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है। अगर ये कुछ भी सोचते हैं तो घूम फिर कर आपके ऊपर आते हैं। इनको आपके बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है और ये कभी गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। इस रिलेशन पे कभी गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन को चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे कितना भी वेट करना पड़े, चाहे कितना भी स्लो हो जाना पड़े, ये करेंगे, क्योंकि आपके बारे में ये बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, रिलेशनशिप को बहुत अलग तरीके से देखते हैं और आपको भी एक अलग ही इंसान मानते हैं। तो ये एक सिंबल है कि आपके पर्सन के अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आ रहा है। आपके पर्सन जो है ना, अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपना एफर्ट नहीं दिखा पा रहे थे, डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे थे, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में, कुछ भी हो। अब आप अपने पर्सन की तरफ से 7 डेज के अंदर, 1 वीक के अंदर बहुत बदलाव देखेंगे। माँ दुर्गा का कृपा इनके ऊपर हो सकता है, जिसके वजह से, और आपके ऊपर भी होगा, इस रिलेशनशिप के ऊपर होगा, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत कंसिस्टेंट हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर हो रहा है और ये इंसान, ये वो इंसान, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, ये कभी एफर्ट नहीं लगाते थे, पर अब आपके पर्सन अपना पूरा डेडिकेटेड एफर्ट इस रिश्ते पे लगाने वाले हैं। और ये रिलेशनशिप को, यही वो पर्सन है, ठीक है, ये इसी पर्सन की वजह से, आपके वजह से नहीं बल्कि इनके वजह से ये रिश्ता प्रोग्रेसिव लव होगा, क्योंकि रुका भी इनके वजह से ही था, तो ठीक भी यही करेंगे। तो यस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि ये आपके लिए सबसे पहली बात कंसिस्टेंट होंगे। जब आप रिप्लाई करोगे, ठीक है, तुरंत मैसेज करेंगे, या कभी भी मैसेज किए तो आप मैसेज करते हो तो तुरंत ये रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इंतज़ार कराएंगे, वेट कराएंगे, ये सब नहीं होगा। अभी आपके साथ होंगे और बहुत दिल से होंगे। ओके, लव लेटर की बात की जाए, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, देख सकते हो, देख के पता चलेगा कि आपके पर्सन कितने हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बस एक कोने में बैठे हुए हैं। और बहुत सेम हो सकता है, शेम हो उस पर्सन के अंदर, कुछ गलत किया हो। ठीक है, तो आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जिसके वजह से मैं बहुत हेल्पलेस हो चुका हूँ, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ पर मैं तुम्हारे साथ हो नहीं पा रहा, ये कैसे होगा कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँ। तो ये पर्सन आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे और ये आपके साथ ज़रूर हो जाएंगे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो अब आपको पाने के लिए या आपके साथ होने के लिए बहुत सारे इम्पल्सिव एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू लव और एडवेंचरस लव डेवलप करने वाले हैं, और आपके पर्सन को ये एहसास हो चुका था कि प्यार ये भी करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे और आप बहुत करते थे। तो इनको अफसोस है कि इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, और आप सिर्फ जो है प्यार कर रहे हो, तो क्या हुआ, वन साइडेड लव ही हुआ। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई कि रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर थोप दी, और ये जो प्यार है वो लव कैन नॉट बी वन साइडेड, एक तरफा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे तुम्हें समझना होगा और मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, और ये प्यार सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, वन साइडेड नहीं रहेगा, अब मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। उसके बाद आपके पर्सन देखिए आपको अपना सोलमेट मानते हैं
और इमोशनल होकर बहुत बड़े डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, दिल से ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं और यहाँ पे रीयूनियन डेफिनेटली हो रहा है। और आपके पर्सन ये कह रहे हैं लेट्स फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ और चलो हम दोस्त बनते हैं, फिर से पहले की तरह इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो इस तरीके से आपके पर्सन पूरी की पूरी तरह बदल रहे हैं, नेचर बदल रहा है इस पर्सन का। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पर्सनल लिंक चाहिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल अनिस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल अनिस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, किसी भी टॉपिक पर आप लोग रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।